नमस्कार बच्चों, कल की वीडियो में हमने औ की मात्रा के बारे में पढ़ा था कि औ की मात्रा हमेशा व्यंजन के पीछे लगती है। इसकी एक सीधी लाइन और ऊपर दो मात्राएं होती हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम औ की मात्रा से संबंधित पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाठ 11, गौरी की मौसी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। हमारे नौकर दौलत ने दरवाजा खोला। लो, गौरी की मौसी जी आ गईं। उनके साथ मौसा जी भी हैं। मौसा जी फौज में काम करते हैं। मौसी जौनपुर से आई हैं। मौसी जी खिलौने लाई हैं। गौरी दौड़ी दौड़ी आई। नहा धोकर मौसा मौसी भोजन करने बैठे। गौरी ने उनके लिए गरम गरम कचौड़ी, लौकी का रायता और आलू की सब्जी परोसी। खाना खिलाने के बाद गौरी बोली, आप लोग आराम कर लीजिए, बिछौना बिछा दिया है। तो बच्चों, आइए अब हम लोग पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा प्रश्न है, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं और कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को सही वाक्य में भरकर पूरा करना है। नंबर एक, खाली स्थान पर बैठकर खाना खाओ। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वे हैं खिलौना, दौड़, फौरन, लौकी, चौकी, मौसम। यहाँ पर हम लिखेंगे चौकी। चौकी पर बैठकर खाना खाओ। नंबर दो, खाली स्थान बाजार जाकर खाली स्थान लाओ। यहाँ पर हम पहले खाली स्थान में भरेंगे फौरन। फौरन बाजार जाकर लौकी, लौकी लाओ। नंबर तीन, आज खाली स्थान बहुत सुहावना है। इसमें हम लिखेंगे मौसम। आज मौसम बहुत सुहावना है। नंबर चार, सौरभ खाली स्थान जीत गया। यहाँ पर हम लिखेंगे दौड़। सौरभ दौड़ जीत गया। नंबर पाँच, मौसी जी खाली स्थान लाई हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे खिलौना। मौसी जी खिलौना लाई हैं। गृह कार्य, अपनी मौसी के विषय में पांच वाक्य लिखिए। आपको अपनी मौसी के बारे में पांच वाक्य लिखना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम पाठ से संबंधित कविता और कुछ अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।